गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में कल हम बात कर रहे थे संचालक यानी कि डायरेक्टर्स, और कल हमने उसमें बात की थी संचालकों की स्थिति क्या होनी चाहिए, और उसके हमने 6 पॉइंट भी लिखे थे। क्या एक संचालक, यहां मैं लिख देता हूं संचालकों की स्थिति यानी कि पोजीशन, तो क्या एक संचालक एजेंट के रूप में बन सकता है? एक संचालक एजेंट के रूप में नहीं बन सकता, एजेंट के रूप में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता एक संचालक? देखिए, अगर वो एजेंट है तो एजेंट को कोई ना कोई कमीशन लेता है, दलाली लेता है, तो संचालक कोई इस चीज का कार्य नहीं करता दलाली का, ठीक है ना, वो ब्रोकर नहीं है। संचालक यानी कि इसकी देखरेख में एक कंपनी का संचालन किया जाता है, और कंपनी की परिवर्तन अवस्था से लेकर कंपनी की समापन की अवस्था तक इन संचालकों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक संचालक एजेंट के रूप में नहीं बन सकता। दूसरी हमने बात की थी प्रन्यासी के रूप में, यानी कि ट्रस्टी के रूप में हो सकता है, ट्रस्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अरे ट्रस्ट है मतलब मालिक ही हो गया ना ट्रस्ट तो, एक तरीके से। तो एक संचालक प्रन्यासी के रूप में बन सकता है, एक उसकी स्थिति ट्रस्ट के रूप में हो सकती है। देखिए ट्रस्ट है तो उसी की देखरेख में कंपनी की सारे कंपनी के जितने भी गतिविधियां हैं सारी होंगी। उसके बाद एक प्रबंध भागीदार के रूप में, प्रबंध भागीदार के रूप में बिल्कुल बन सकता है, यानी कि मैनेजमेंट के रूप में वो एक कंपनी में बन सकता है, संचालक बन सकता है ना। उसके बाद कंपनी के अधिकारी के रूप में, कंपनी के अधिकारी के रूप में यानी कि ऑफिसर के रूप में बिल्कुल बन सकता है, अधिकारी तो वो है ही और अधिकारी के रूप में वो बन सकता है। उसके बाद कर्मचारी के रूप में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कर्मचारी बन गया फिर तो उसे मंथली सैलरी मिलेगी, और जबकि एक संचालक को क्या मिलता है? शुद्ध लाभ का 11% तक का बेनिफिट मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है शुद्ध लाभ, ठीक है ना। और शुद्ध लाभ कब ज्ञात होता है? कहीं तो क्वार्टरली 3 महीने बाद, कहीं 6 मंथ, कहीं 9 मंथ, तो कहीं 12 मंथ, यानी कि इस तरीके से शुद्ध लाभ की गारंटी जांच की जाती है। और महीने के महीने भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्हें जो बेनिफिट दिया जाता है संचालकों को, वो शुद्ध लाभ का 11%, इससे अधिक नहीं। और ये 11% किन में? जितने संचालक होते हैं एक कंपनी में, जितने संचालक होते हैं, कम से कम 3, अधिकतम 15 हो सकते हैं ना, तो सब में वो लाभ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद एक आवश्यक अंग के रूप में ऑर्गन यानी कि जिसे हम कहते हैं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यानी कि इसमें कोई योग्यता होगी इस संचालक में कोई कार्य की, जैसे कोई पैकिंग डिपार्टमेंट की हो या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की हो, तो एक व्यक्ति प्रॉपर एक कार्य के लिए संचालक पद पर आ सकता है अगर उसमें उस कार्य की योग्यता है।
ठीक है ना। तो ये तो रहती है संचालकों की स्थिति एक कंपनी में। अब बात आती है कि संचालक मंडल का गठन जो होता है, तो आपको उसके बारे में बताया कि एक निजी कंपनी में दो सार्वजनिक कंपनी में तीन व एकल व्यक्ति कंपनी में एक व्यक्ति संचालक होगा, ठीक है। और एक सार्वजनिक कंपनी में अगर संचालकों की संख्या में बढ़ोतरी करनी है तो वो 15 कंपनियां 15 संचालकों की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी करनी है तो उसे केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। देखिए मैंने आपको डिफरेंसेस के बारे में सारा बताया था, ठीक है। 15 संचालकों के 15 संचालक कर सकता है और एक व्यक्ति 15 कंपनियों का संचालक हो सकता है। सॉरी, अब थोड़ा सा रूल में परिवर्तन कर दिया गया है। नहीं, कोई रूल में पर एक सेकेंड। हाँ, एक व्यक्ति 20 कंपनियों का, कितनी 20, एक व्यक्ति 20 कंपनियों का संचालक बन सकता है, जिसमें एकल व्यक्ति कंपनी भी शामिल हो सकती है, निजी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है। लेकिन एक कंपनी में 15 संचालक अधिकतम हो सकते हैं। 15 से ऊपर करना है तो वो केंद्रीय सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक और बात बता दूं, महिला संचालक अगर किसी कंपनी में रखना है तो वो कहां रखा जाएगा वो भी बता देता हूं। महिला संचालक एक होना अति आवश्यक है, लेकिन उस कंपनी की पूंजी कम से कम कितनी, प्रदत्त अंश पूंजी सार्वजनिक कंपनी की कम से कम अंश पूंजी 100 करोड़ रुपया होनी, 100 करोड़ रुपया प्रदत्त पूंजी होनी आवश्यक है। अंश प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपया होना अति आवश्यक है, तो उस कंपनी में एक महिला संचालक होनी अति आवश्यक है। तो ये तो थी संचालकों की संख्या से संबंधित बातें। बात आती है संचालकों की नियुक्ति की विधियां। देखिए ये तो थी स्थिति, अब बात आती है संचालकों की नियुक्ति की विधियां। संचालकों की नियुक्ति की विधियां, तो इस विधियों में हम बात करते हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है प्रबंध संचालकों की नियुक्ति, प्रबंध संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है कब, प्रवर्तन अवस्था पे, स्टार्टिंग अवस्था में प्रथम संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। यह भी हम बात कर सकते हैं प्रथम संचालकों की नियुक्ति, प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्रवर्तन अवस्था में इनकी नियुक्ति हो जाती है। और प्रवर्तन अवस्था में कम से कम कितने, देखिए जब भी हम बात करेंगे कभी भी तो ज्यादातर मेरी जो भी बात होगी सार्वजनिक कंपनी को लेकर होगी, निजी कंपनी को अगर लेकर कोई बात होगी तो उसके लिए मैं स्पष्ट आपको क्या कर दूंगा, सूचित कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्रवर्तन अवस्था में जितने होते हैं, उसके बाद कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्ति, तो इनके द्वारा भी कंपनी को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे संचालकों की नियुक्ति करती है, और या कंपनी के अंशधारी जो हैं, जो कंपनी के मेंबर हैं, उनके द्वारा भी संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरी बात आती है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। देखिए एक कंपनी में जो संचालक मंडल होते हैं, संचालक मंडल वो होता है, जैसे कंपनी में 5, 6, 7 तो उनका एक मंडल बन गया, ग्रुप बन गया, उसके द्वारा भी अगर आवश्यकता है तो संचालकों की नियुक्ति
अलग से की जा सकती है। उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति, तो मतलब अनुपातिक मतलब कि एक अनुपात के अकॉर्डिंग, जैसे एक कंपनी में 7 संचालक है ठीक है, या 10 संचालक है मान लीजिए, तो एक तिहाई यानी कि 1/3 भाग पारिषद जो अवकाश ग्रहण करना है तो उनका अवकाश ग्रहण करवा के दोबारा उनकी नियुक्ति भी की जा सकती है, या अनुपात के रूप में भी 10/1 या 10/4 इसके अनुपात में भी नियुक्ति की जा सकती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अकॉर्डिंग भी, या वोट डलवाकर, हम ये कहते हैं वोट डलवाकर मतों के अकॉर्डिंग यानी कि मतों के आधार पर अनुपातिक, ये भी कह सकते हैं हम, यानी कि वोटिंग करके भी संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे कंपनी में 50 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया वो भी हो सकता है, और उनमें से 2 व्यक्ति खड़े हो गए तो सहमत कोई भी नहीं है, तो वोटिंग करवा के भी, हाथ खड़े कर भी, या पर्ची डलवा कर भी किसकी तरफ आप जाना चाहते हैं ठीक है ना, तो सहमति से उस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद अधिकरण के आदेश द्वारा, अधिकरण के आदेश द्वारा मतलब ट्रिब्यूनल जो राष्ट्रीय कंपनी विधानमंडल है उसके आदेश द्वारा भी, राष्ट्रीय कंपनी विधान मंडल के द्वारा भी संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति, लास्ट केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति मतलब केंद्रीय सरकार को अगर आवश्यक लगे कि यहां पर इस कंपनी में संचालकों की संख्या में कमी है तो वहां पर भी वो संचालकों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, और चाहे तो वहां से किसी व्यक्ति को निकाल भी सकती है और उनमें वृद्धि भी कर सकती है और नियुक्ति भी कर सकती है आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता लगने पर ठीक है। तो यहां इस तरीके से संचालकों की जो नियुक्ति की विधियां हैं इसके बारे में आज हमने चर्चा की। कल हम इसके अधिकार कर्तव्य दायित्व और उनके एक संचालक पहचान संख्या जो अलग से मिलती है जिसके बारे में आपको मैं बोल दूं, संचालक पहचान संख्या यानी कि जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर डिन भी बोला जाता है, डायरेक्टर एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकी एक अलग से पहचान संख्या प्राप्त होती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जिसे बोला जाता है, डीम भी बोला जाता है शॉर्टी से, तो इनकी एक पहचान आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी नंबर, ये संचालक पहचान संख्या एक अलग से नंबर किसे, रजिस्ट्रार से प्राप्त होता है ये नंबर ठीक है। और इसके अलावा एक होता है स्वतंत्र संचालक, स्वतंत्र संचालक ठीक है, ये फ्री डायरेक्टर होता है, इसके अलग से ही रूल एंड रेगुलेशंस है मतलब अलग से इसकी पहचान होती है स्वतंत्र संचालक की। और एक और आपको बता दूं, संचालक मंडल द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो क्यों की जाती है, कब कब की जाती है, कि एक तो कोई अतिरिक्त संचालक चाहिए तब की जाती है ठीक है, एक अगर कोई वैकल्पिक मतलब किसी संचालक की मृत्यु हो गई या आकस्मिक रिक्त हो गया, या जैसे मान लीजिए 3 महीने तक कोई व्यक्ति संचालक पद पर जो है नियुक्त है वो नहीं आया, तो वैकल्पिक रूप से भी उस व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाती है, या वो छुट्टी पर चल रहा है या कोई कारणवश और नहीं आ सकता उसने सूचना दे दी, तो वैकल्पिक ये 3 महीने तक मीटिंग में न आना या कार्य पर नहीं पहुंचना, तो वैकल्पिक भी हो सकती है। उसके बाद आकस्मिक भी हो जाती है मतलब अगर किसी संचालक की मृत्यु हो गई तब उस स्थिति में ठीक है, तो ये स्थितियां संचालक मंडल द्वारा पूरी की जा सकती है कि अगर संचालक आकस्मिक मृत्यु हो गई या कोई छुट्टी पर चल रहा है
या उन्हें आवश्यकता है अतिरिक्त संचालक की, तो वो संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, स्वतंत्र संचालक जो फ्री डायरेक्टर होता है वो कहीं भी किसी भी कार्य पर लगाया जा सकता है। मतलब एक कंपनी में देखिए क्या कार्य नहीं होता, स्टार्टिंग में प्रवर्तन अवस्था से लेकर यानी कि समापन अवस्था तक उसके बहुत से कार्य होते हैं, पैकिंग डिपार्टमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, एड डिपार्टमेंट, ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट, डिलीवरी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनते हैं, तो सब में संचालकों की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे कंपनी की टर्नओवर बढ़ती रहती है वैसे वैसे कंपनी में संचालकों की आवश्यकता बढ़ती रहती है, उन्हें ज्यादा संचालक रखने पड़ते हैं कि एक संचालक की देखरेख में एक कार्य सौंप दिया जाए, तो इसलिए इन संचालकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। और इन्हें बेनिफिट भी दिए जाते हैं, इनकी पहचान संख्या भी होती है, इनके राइट्स भी होते हैं कुछ, इनके दायित्व भी बनते हैं कुछ, और साथ साथ इन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है। और पारिश्रमिक देखिए उन्हें एक जगह से नहीं मिलता, मैंने आपको बताया कि एक संचालक 20 कंपनियों पर संचालक पद पर रह सकता है ना, तो एक साथ वो 20 कंपनियों में अगर कार्य करता है, संचालक संख्या करता है, हाँ इनका एक बेनिफिट ये है कि इन्हें एक कंपनी में पूरा दिन रुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आए अपनी अटेंडेंस लगाई, मतलब अपना देखा काम धाम सारा, दिन भर की गतिविधियां देखी और चले गए। अगर कोई गलत हो रहा है कार्य तो उसमें परिवर्तन करवा दिया, सही हो रहा है तो चले गए दूसरी कंपनी में चले गए। और या ये भी कर सकते हैं कि एक दिन एक कंपनी में पूरा दिन रुके, उन्हें सारी गतिविधियां देखी, समझाया काम और दूसरी कंपनी में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। हर कंपनी में इन्हें रोज जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम आगे की कार्यवाही आगे की प्रक्रिया करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।